أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم My name is Bushra Bashir My teaching subject is Mathematics Chapter number 1 sets exercise number 1.3 part 2 अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में हम रिलेशंस फाइंड करेंगे, देन इसमें आपके पास टू रिलेशंस इन ए क्रॉस बी, टू रिलेशन इन बी क्रॉस ए, थ्री रिलेशंस इन ए एंड ऑल रिलेशंस इन ए। फर्स्टली हम टू रिलेशंस इन ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले जब भी आपने रिलेशंस बाइनरी रिलेशंस फाइंड करने होंगे तो आप पहले दो दो सेट्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ नज़र भी आ रहा है कि उन्होंने कहा टू रिलेशंस इन ए क्रॉस बी, और जो रिलेशंस होते हैं यानी बाइनरी रिलेशंस जो होते हैं वो सब सेट्स होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के। यानी अगर आप दो सेट्स को मल्टीप्लाई करें तो उसका अगर आप सब सेट फाइंड कर लें तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, बाइनरी रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे। ए बी एंड सी हमारे पास ए सेट है और बी सेट हमारे पास क्या गिवन है, एक्स वाई। पहले सिंपल हम मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक्स ए वाई, बी एक्स बी वाई, सी एक्स और सी वाई। अब हमने दो रिलेशंस लिखने, अब आपकी मर्जी, क्योंकि आपके पास उन्होंने सारे रिलेशंस लिखने के लिए नहीं कहा, सिर्फ दो रिलेशंस आपको लिखने हैं। तो फिर आप क्या करेंगे, कोई भी दो ऑर्डर पेयर, कोई भी तीन ऑर्डर पेयर, कोई भी चार ऑर्डर पेयर या कोई भी एक ऑर्डर पेयर जो है वो आप जो है ना एक सबसेट में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हम पावर सेट में लिखते हैं, पहले हम सिंगल सेट्स सिंगल लिखते हैं, फिर हम डबल लिखते हैं, फिर ट्रिपलेट लिखते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर आपको उन्होंने जो है वो सारे रिलेशन लिखने के लिए नहीं कहा, सिर्फ दो या तीन रिलेशन लिखने के लिए कहा है। तो फिर आप अपनी मर्जी से कोई भी ऑर्डर पेयर उठाकर सबसेट्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आर वन में क्या किया, ए एक्स और बी एक्स जो है वो दो ऑर्डर पेयर लेकर एक रिलेशन बना दिया, क्योंकि ये दोनों जो है इसी सेट में से है, इसका इसी का सबसेट बन गया। और आर टू जो है वो मैंने यहाँ से सी एक्स सी वाई एंड बी एक्स जो है वो लेकर तीन ऑर्डर पेयर से यहाँ पर सेकंड रिलेशन बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू में टू रिलेशंस इन बी क्रॉस ए। अब हमें बी क्रॉस ए फाइंड करना पड़ेगा। पहले हम पहले बी सेट लिखेंगे, फिर ए सेट लिखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स ए एक्स बी एक्स सी, वाई ए वाई बी वाई सी, ये मैंने लिख दिया। सिमिलरली जैसे मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको जो है वो रिलेशंस लिखना बताया, उस तरीके से आप यहाँ पर लिखेंगे। वो सबसेट्स होते हैं रिलेशंस किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के, तो आप कोई भी ऑर्डर पेयर जो है वो उठाकर जो है ना वो अपने रिलेशंस बना सकते हैं। जैसे आर वन है मैंने यहाँ पर एक्स ए और वाई ए लेकर जो है वो एक रिलेशन बना दिया, और आर टू जो है वो मैंने एक्स सी और जो है वो मैंने वाई सी को लेकर जो है वो दूसरा रिलेशन बना दिया। ठीक है, उसके बाद थ्री रिलेशंस इन ए। अब ए क्रॉस ए पहले हम अब इन ए का मतलब ये है कि आप यहाँ पर ए ही को दो दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, या और रिलेशंस इन ए होगा, या थ्री रिलेशंस इन ए है, या टू रिलेशन इन बी है, तो आप क्या करेंगे उसी सेट को दो दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास रिलेशंस इन ए लिखा है तो आप परेशान हो जाएंगे कि भाई ए में रिलेशंस कैसे फाइंड करेंगे। तो आप क्या करेंगे, ए को ए से ही क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ पर मैंने ए को ए से मल्टीप्लाई किया है, तो ए ए ए बी ए सी, फिर बी ए बी 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 सी, फिर सी ए, फिर सी के साथ पे बनाया सी ए सी बी और सी सी। अब यहाँ पर मुझे तीन रिलेशंस लिखते हैं। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, आर वन में ए ए बी ए और सी सी ऑर्डर पे लेकर एक रिलेशन बना दिया, और आर टू में मैंने बी बी और सी बी लेकर एक रिलेशन बना दिया, और आर थ्री में मैंने ए सी बी सी और सी सी लेकर जो है वो रिलेशन बना दिया। यहाँ पर यानी कि जब आपको रिलेशंस लिखने होंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपने जो है उसमें से जो है ऑर्डर पेयर्स ने जो है वो अलग अलग करके रिलेशंस बनाने, क्योंकि जो बाइनरी रिलेशंस होते हैं वो सबसेट्स होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के। लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 4-6 का, उसमें हम और रिलेशंस इन बी फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम बी क्रॉस बी फाइंड करेंगे। जैसे हमने लास्ट पार्ट में जो है वो थ्री रिलेशंस इन ए में जो है वो ए क्रॉस ए फाइंड किया था, सिमिलरली और रिलेशंस इन बी के लिए हम पहले बी क्रॉस बी फाइंड करेंगे। पहले बी क्रॉस बी फाइंड करेंगे, तो एक्स वाई को एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स 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 वाई, वाई एक्स वाई वाई। अच्छा, अब यहाँ पर और रिलेशंस लिखने, इट मीन्स के मुझे यहाँ पर ऑल सबसेट्स लिखने, क्योंकि जो बाइनरी रिलेशंस होते हैं वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के क्या होते हैं, सबसेट्स होते हैं।
तो इसका मतलब ये है कि मुझे इसके पॉसिबल जितने भी जो है वो सब रिलेशंस में लिख सकती हूँ, वो मुझे लिखने अदर अदर वर्ड्स में, इन अदर वर्ड्स के अगर आप आपको क्या लिखने हैं, सबसेट्स लिखने हैं। अच्छा, पावर सेट में भी जब हम सबसेट्स लिखते थे तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर 2 की पावर n बनाते हैं, और n जो है वो क्या होते हैं, हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि हमारे पास जो है वो कितने सबसेट्स बनेंगे। तो यहाँ पर भी हम वही रूल को अप्लाई करते हैं जो ताकि हमें पता चल जाए कि कितने जो है वो हम यहाँ पर सबसेट्स बनाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो कितने जो है वो ऑर्डर पेयर्स मौजूद हैं, 4 ऑर्डर पेयर्स हैं। इट मींस कि जब हम 2 की पावर 4 बनाएंगे तो 2 की पावर 4 का मतलब है 16, यानी हम यहाँ पर कितने सबसेट्स यानी कितने रिलेशंस बनाएंगे, 16 रिलेशंस बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास रिलेशन होगा वो क्या होगा, नल सेट। जैसे हमारे पास सबसेट में अगर हम देखें तो हम कहते हैं नल सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो जब हम रिलेशन लिखेंगे तो सबसे पहला रिलेशन क्या होगा, नल सेट होगा। सेकंड फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ जो हमारे पास चारों जो ऑर्डर पेयर्स हैं उनको हम अलग अलग करके लिख लेंगे। ठीक है, यार 5 तक हमारे पास जो है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, यानी हमारे पास जो 4 ऑर्डर पेयर्स हैं हम उन्हें अलग अलग करके लिख देंगे। पहले हम नल सेट लिखेंगे दैन फिर हम जो हमारे पास ऑर्डर पेयर गिवन है उनको अलग अलग करके लिखेंगे। तो हमारे पास 5 रिलेशंस इस तरह से बन जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हम 6 पे जाएंगे तो हम फर्स्ट वाला जो ऑर्डर पेयर है उसके साथ सेकंड का, फर्स्ट का थर्ड के साथ, फर्स्ट का फोर्थ के साथ जो है वो यहाँ पर पेयर बनाकर लिख देंगे। तो ये हमारे 8 तक जो है वो क्या बन जाएंगे, सबसे रिलेशंस बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जब हम 9 पे जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे कि फर्स्ट वाले ऑर्डर पेयर को छोड़ देंगे और सेकंड के साथ थर्ड का, सेकंड के साथ फोर्थ का फिर हम ऑर्डर पेयर बनाकर यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, यानी अब यहाँ पर जो है जब हम आएंगे तो हमारे पास जो है वो एक्स एक्स के साथ हमने एक्स वाई, वाई एक्स और वाई वाई को लिख लिया, दैन फिर हम एक्स वाई के साथ किसको लिखेंगे, वाई एक्स को लिखेंगे, और एक्स वाई के साथ हम वाई वाई को लिखेंगे। तो हमारे पास जो है वो R9 और R10 जो है वो कम्प्लीट हो जाएगा। लास्ट में जो हमारे पास थर्ड वाला ऑर्डर पेयर उसको हम फोर्थ वाले ऑर्डर पेयर के साथ लिखेंगे तो हमारे पास जो है वो 11th रिलेशन जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब क्योंकि हम जो है वो 2 ऑर्डर पेयर के भी जो है वो हमने अपने रिलेशंस लिख लिए हैं, अब हम 3 ऑर्डर पेयर्स को लेकर रिलेशंस लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट 3 को लिखेंगे, एक्स 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 वाई, वाई एक्स को। ठीक है, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर ये कर रही हूँ कि एक्स वाई को निगलेक्ट कर रही हूँ, एक्स एक्स वाई एक्स वाई वाई, ये मैंने लिख दिया, ये मेरा R13 हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया है, फिर मैं अब यहाँ पर जो है वो वाई एक्स को निगलेक्ट कर रही हूँ, एक्स 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 वाई और वाई वाई मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, R15 में क्या होगा, मैं फर्स्ट वाले को निगलेक्ट करूँगी और लास्ट 3 जो मेरे पास ऑर्डर पेयर्स हैं उनको लिख दूँगी, तो मेरे पास 15th रिलेशन बन जाएगा। उसके बाद 16 में क्या करूँगी, चारों ऑर्डर पेयर्स उठा के लिख दूँगी, क्योंकि जब हम सबसेट की अगर हम डेफिनेशन को अगर हम देखें तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो ये होता है कि नल सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड जो सेट होता है इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो इट मीन्स कि जो आपके पास R16 है उस पर वो रूल अप्लाई हो जाएगा और R1 पे जो है वो रूल अप्लाई हो जाएगा जो हम सबसेट्स के लिए अप्लाई करते हैं। इस तरीके से क्योंकि ये जो आपके पास रिलेशंस है वो सबसेट्स है किसके, कार्टेशियन प्रोडक्ट, और कार्टेशियन प्रोडक्ट अभी हमने यहाँ किसका फाइंड किया है, B क्रॉस B का जो हमने बाइनरी रिलेशन फाइंड का वो कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लिया, देन हमने उस पर जो बाइनरी रिलेशन अप्लाई किया, हमें यहाँ पर और रिलेशंस लिखते थे तो हमने जो सबसेट्स जब हमने लिखने होते हैं तो हम जो पावर सेट के लिए करते हैं तो 2 की पावर n बनाते हैं। तो हमने यहाँ पर भी यही किया, यहाँ के जितने ऑर्डर पेयर्स से उसको 2 की पावर में लिखने के बाद उसमें देखा तो हमारे पास 16 ऑर्डर पेयर्स जो है वो बन रहे थे, तो 16 सबसेट्स बन रहे थे। फिर हमने यहाँ पर उसी तरीके से पहले नल सेट लिखा, फिर उसी तरीके से जिस तरह जैसे हम पावर सेट में जो है वो रूल अप्लाई करते हैं सेम उसी रूल को यहाँ पर हमने रिलेशंस लिखने के लिए अप्लाई, क्योंकि वहाँ पर भी हम सबसेट्स लिख रहे हैं, यहाँ पर भी हम सबसेट्स लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ सबसेट्स को उन्होंने क्या नाम दे दिया, बाइनरी रिलेशन का नाम दे दिया। आई होप कि आप लोगों को एक्सरसाइज नंबर 1.3 भी जो है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। जज़ाकअल्लाह।